हाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देख, नीचे बटन है, नीचे देख लीजिए आप लोग सब्सक्राइब का, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए। बार बार नहीं करना है ऐसा, एक ही बार करना है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि अनसब्सक्राइब हो जाइएगा, है ना। ऐसा नहीं होगी फिर बार बार आप ये कर रहे हो। चलिए देखिए, ये 100 नंबर का है, पिंच ऑफ स्नफ। इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़र में। जब हम इसमें ऑरेंज कलर से टिक लगा रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे, तो हमको सब इम्पोर्टेंट ही लगने लगा, लेकिन फिर भी हम चुने इसमें से कुछ। चलिए देखा जाए। पहला, नानू काका जो है वो नरेटर के क्या है? नरेटर मैंने होता है कथावाचक, जो इसको कह रहे हैं उसके क्या मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का अर्थ होता है मामा जी, तो उसके वो क्या थे? मामा जी थे। किसके? मनोहर मालगोन करके। नानू काका जो है उनका एक यूनिक क्वालिटी था, क्या चीज़ का? तो टेलिंग अ लाई, LIE, लाई। लाई माने झूठ बोलने की उनके पास कला थी, वो झूठ बहुत बोला करते थे। ठीक है, नानू काका को किससे काम था? तो मिनिस्टर से काम था, मंत्री से काम था। इस चीज़ को याद रखिएगा, नानू काका को किन से काम था? मंत्री से काम था, है ना। फिर है, नानू काका मैनेज करते हैं, वो बहुत मतलब धूर्त किस्म के इंसान थे। वो थर्ड क्लास का टिकट खरीदे थे, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, थर्ड क्लास का टिकट खरीदे थे और सेकेंड क्लास से ट्रेवल किए। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, क्या किए थे वो? थर्ड क्लास का टिकट खरीद के सेकेंड क्लास में ही गए थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नानू काका जो है एक चेक दिए थे, वो धोबी को दिए थे 1,000 रुपये का। कितने हजार रुपये का? 1,000 रुपया। याद रखिएगा, हो सकता है 1,000 रुपीज़ लिख दे, ये सब चीज़ याद रखिए। क्या दिए थे? चेक दिए थे, CHEQUE। अच्छा, एक काम और किया जा सकता है, ये 50, ये 100 नंबर वाले और 50 नंबर वाले में, स्पेलिंग वाले में भी आ सकता है चेक का स्पेलिंग। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, इसी तरीके से आता है। तो चेक दिए थे कितने का? 1,000 का। किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। नानू काका जो है अपने आप को निन्नौर का महाराजा बताए थे। कहाँ का बताए थे? निन्नौर का महाराजा। स्पेलिंग देख लीजिए, NI। ऐसे स्पेलिंग से क्या है, वहाँ ऑप्शन में देगा ही आपको, OR और लास्ट में ई। निन्नौर का क्या बताए थे? महाराजा। इस चीज़ को आप लोग को दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अंगोछा रखते थे, कौन रखते थे? तो अंगोछा यानी कि गमछा। कौन रखते थे? देखिए यहाँ पे अंगोछा है, ANGOCHA, अंगोछा यानी कि गमछा। कौन रखते थे? नानू काका रखते थे, याद रखिएगा। फिर है, नानू काका 2 से 3 दिन के लिए वहाँ रुकना था। नानू काका जो है बहुत ही चालाक इंसान थे, क्लेवर। क्लेवर ना बोल करके अगर धूर्त बोले, कनिंग बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर क्लेवर लिखा और कनिंग लिखा रहे तो हम कनिंग के लिए बोलेंगे, क्लेवर को सेकंड ऑप्शन में रखेंगे। ठीक है, पिंच ऑफ स्नफ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है और या फिर कॉमिक ड्रामा है। मैंने कॉमिक ड्रामा मतलब कॉमिक का मतलब हास्यास्पद होता है ना, जिसमें मजा आता है, मज़ेदार एक नाटक है या फिर एक स्टोरी है। ओके, यहाँ तक सही है। उसके बाद पिंच ऑफ स्नफ में जो है आप देखिएगा, मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। उनका जन्म 1913 में हुआ है। मनोहर मालवणकर का जन्म कब हुआ? 1913। क्योंकि जो राइटर होते हैं उनके जीवनी जीवन से भी आता है सवाल। और फिर है कि नानू काका जो है वो आ रहे थे दिल्ली, किस लिए आ रहे थे? तो सी मिनिस्टर, सी सम मिनिस्टर, याद रखिएगा, सी सम मिनिस्टर्स, है ना, सी सम मिनिस्टर्स, याद रखिए। नानू काका कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए आते थे। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 1,000 रुपया, कहीं भी याद रखिए कि नानू काका और कहीं 50 रुपये की बात नहीं हुई थी, वैसे एक ही बार हुआ है 1,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सुनिए, पिंच ऑफ स्नफ क्या एक ह्यूमरस स्टोरी है? ह्यूमरस स्टोरी मैंने हास्यास्पद स्टोरी है। नानू काका जो है जाते हैं सोहनलाल रतिराम के पास। ठीक है, और सोहनलाल रतिराम का एक लड़का होता है केवल रतिराम, याद रखिएगा। सोहनलाल के पास जाते हैं, सोहनलाल के पास जाते हैं, और उनका बेटा है रतिराम, जो
मनोहर मालवणकर के साथ, याद रखिएगा, काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। नानू काका जो है वो ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना करते थे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नानू काका जो है वो ऑरेंज कलर का क्या पगड़ पहनते थे, पगड़ी ऑरेंज कलर का, ओके। फिर है कि मनोहर मालवणकर जो है वो क्या काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन थे, वो अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन थे, इस चीज़ का को दिमाग में रखिएगा, है ना। वीडियो यहीं पे रोकेंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी आएगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। यकीन मानिए ये जो चैनल है आपको नुकसान नहीं, आपके समय की बर्बादी नहीं करेगा, ठीक है। बाय।